Hi guys, welcome to demand modification. तो दोस्तों ये गाड़ी है Honda Dio latest model 2020 का. इसको हम शॉर्ट में मॉडिफाई करने वाले हैं लेमन ग्रीन कलर में. ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ी रेडी हो चुकी है. इसका हमने बैक साइड का टेका, फ्रंट शो और अलॉय व्हील्स, इन दोनों को लेमन ग्रीन पेंट के अंदर मॉडिफाई किया है. इस गाड़ी को हमने शॉर्ट में मॉडिफाई किया है, सिर्फ अलॉय व्हील, फ्रंट शो और पीछे की बैक साइड की कड़ी टेका, सिर्फ इसे ही मॉडिफाई किया है. तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा कलर यूज़ हुआ है और कैसा काम किया गया है. तो हमने इसे फिर पहले खोला, खोलने के बाद इसे वॉश किया, उसके बाद उसे सैंडिंग पेपर 320 से सैंडिंग किया. सैंडिंग करने के बाद इसे टेपिंग की जा रही है, जो कि सेलो टेप है 2 इंची, इससे टेपिंग की जा रही है. इससे टेपिंग करने के बाद अलॉय व्हील को हमने टेपिंग कर लिया है. इसके बाद में ये जो फाइबर कवर है इसे सीलर मारा जा रहा है. ये जो सीलर है वो मैट फाइबर के जो पार्ट होते हैं उस पर किया जाता है, जिससे कि उस पर कलर खपली ना पकड़े. जैसे कि जो पपड़ी पकड़ता है ना सीलन, उस सीलर मारने से पपड़ी नहीं पकड़ता, उस पर कलर की जो पकड़ है वो अच्छी खासी मजबूत आती है. और उस सीलर को मारने के बाद उसे हाथों हाथ पियर्स ग्रे, ये जो अस्तर है ये अस्तर मारा जाता है. ये अस्तर सिल्यूकोट का पियर्स ग्रे ग्रे कोट है. ये अलॉय व्हील, टेका, फाइबर कवर दोनों पे लगाया जा रहा है. इसको लगाने के बाद में इसे आधा घंटे के लिए सूखने देना पड़ता है. सूखने के बाद इसे 1000 नंबर पेपर से सैंडिंग किया जाता है. उसको सैंडिंग करने के बाद उसके ऊपर पेंट अप्लाई किया जाता है.
और मैं आपको इसमें आगे अभी बताऊंगा कि जो कलर है हमने कौन से कंपनी का यूज़ किया है, पेंट का नाम क्या है और कंपनी कौन सी है। दोस्तों, मैंने जो फाइबर के पार्ट का जो सीलर का जिक्र किया है, उस सीलर का और एक दूसरा नाम भी है जिसे प्लास्टिक प्राइमर कहा जाता है, जो कि कार्स के जो बम्पर होते हैं उस पर भी यूज़ किया जाता है पेंट अप्लाई करने के पहले, और हमने ये टू व्हीलर में किया है तो उसका दूसरा नाम प्लास्टिक प्राइमर है। और अब ये हम जो कलर कर रहे हैं ये है लेमन ग्रीन कलर, जो कि फ्लोरेंस कलर कहा जाता है इसे ज़्यादातर। फ्लोरेंस यानी ये एकदम ही लाइट होता है, पूरा लेमन टाइप ऐसे कुछ, ये शेड ही अलग होता है। तो ये जो शेड है ये है डिक्सॉन कंपनी का, ये डायरेक्टली सॉलिड कलर है, इसमें क्लियर वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली शाइनिंग वाला कलर है जिसे सॉलिड लेमन ग्रीन कलर कहते हैं। तो दोस्तों, पेंट अप्लाई करना हो चुका है। जो शाइनिंग ग्लॉसी कलर है वो टेकेकू और दो अलाइविल्स को मारा है। अब ये जो फाइबर पार्ट है इसको हमने मैट कलर मारा है, जो कि ग्लॉसी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पर अगर ग्लॉसी कलर मारते हैं तो गाड़ी का जो बैकअप है, गाड़ी का जो ग्राउंड है उसमें मज़ा नहीं आता था, वो पूरा मतलब एक अलग ही आता था अगर उसमें शाइनिंग अगर मार रहे तो। ये जो पार्ट है इसको हमने मैट रखा है। अब ये है दोस्तों, इसकी फिटिंग चालू है, कलर ड्राई हो चुका है। तो दोस्तों, आपको होंडा डियो लेमन ग्रीन कलर में मॉडिफाई कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, और भी अगर आपको कोई बाइक की वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मैंने ये गाड़ी का वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर भेजें।